नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है सीवाई एस्ट्रोलॉजर में। आज हम बात करेंगे शनि चंद्रमा की युति के विषयों के बारे में कि विषयोग क्या होता है और क्यों बनता है विषयोग, कैसा होता है, क्या इफेक्ट होता है। तो हमारा जो ये यूट्यूब चैनल है आप उसको सब्सक्राइब कर लें, बहुत ही अच्छा चैनल है, ज्योतिष के अच्छे अच्छे वीडियोज हैं, बहुत वीडियोज हैं। और ज्योतिष संबंधी कोई क्यूरी हो तो आप मेरे से ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। तो विषयोग क्या होता है, विषयोग जो है वो बनता है शनि चंद्रमा से। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, शनि जो है वो अंधेरे का कारक है, शनि नेगेटिव एनर्जी का कारक है। शनि जो है वो अपनी नेगेटिव एनर्जी से हमारे जो मन को इफेक्ट करता है, जिसके कारण हमारा जो मन है वो डामाडोल स्थिति में रहता है, हम कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं। हम किसी भी डिसीजन में मतलब कंसंट्रेशन नहीं कर पाते हैं, वो कंसंट्रेशन टूटता रहता है कि वहां पे ये मतलब हम डिसीजन में जा नहीं पाते, यानी कि हमने ये कार्य करना है तो उसमें थोड़ी सी अगर हमें घबराहट होगी या उसमें ऐसा लगेगा कि नहीं ये कार्य नहीं होगा तो हम उसे छोड़ देंगे, ऐसा माहौल बना देता है हमारे मस्तिष्क में। हमारे मस्तिष्क को एक ख्याली पुलाव का मतलब केंद्र बना देते हैं, उसमें हमेशा ही एक उल्टे से उल्टे ख्याल आते रहते हैं कि कुछ ये है वो है, ऐसा हो जाएगा ऐसा हो जाएगा, वो हमेशा ही अपने ही बारे में अलग अलग तरीकों के ख्याल बनाता रहता है। तो ये जो इफेक्ट आते हैं वो इसीलिए आते हैं कि चंद्रमा जो है उसके ऊपर शनि का जो मतलब इफेक्ट होता है उसके जो रिजल्ट है हम उसको विषयोग मान सकते हैं। ज्यादातर इसका आपको देखा गया होगा कि कैरियर संबंधी बहुत ज्यादा इसमें प्रॉब्लम आती है कि कैरियर के संबंधी हम इसमें एक वो जो सटीक जो मतलब डिसीजन है वो ले नहीं पाते हैं, उसमें हम हमेशा ही घबराते रहते हैं और कभी हाँ कभी ना ऐसी स्थिति में रहते हैं। तो ऐसा इसीलिए कहा गया है कि मन को भ्रमित कर देना का काम है शनि का। तो ये विष योग जो है वो आपको बहुत कुंडलियों में मिलेगा, बहुत चर्चित योग है, क्योंकि शनि जो है वो एक घर में आ जाते हैं तो वो काफी दिन वहां पे रुकते हैं, अच्छे से खाना वाना खा के जाते हैं, लेकिन चंद्रमा जो है बड़ी जल्दी में रहते हैं। चंद्रमा जो है वो ढाई दिन में अपना मतलब राशि चेंज कर लेते हैं। तो आप ये देख सकते हो कि हर 15वें दिन चंद्रमा और शनि का जो मेल होगा और तो उसमें मतलब जो भी जातक जन्म लेंगे, जैसे ढाई दिन में ये जो युति है वो बन के रहेगी और जिसमें इसमें जितने भी जातक हैं वो सभी के सभी आपके विष योग में ही आएंगे। तो अब ये देख सकते हो कि आप इस पूरे दुनिया में कम से कम 20-25% लोग जो हैं वो विष योग में हैं, तो वो लोग कभी सक्सेस नहीं हुए हैं। तो ऐसा क्यों है वो अब हम देखते हैं। तो इसके लिए हमारे पास एक तो जन्म कुंडली है और उसके साथ हमारे पास है ये ग्रहों का टेबल। इस टेबल में क्या होते हैं कि ग्रह ग्रह किस भाव में बैठे हैं और किस भाव के मालिक हैं, वो हमें इतनी डिटेल यहाँ पे अच्छे से मिल जाती है। उससे क्या होता है कि हम अपने रिजल्टों में थोड़ा सा मतलब समझने में आसानी रहती है और समझाने में भी आसानी रहती है। तो जैसे हम चंद्रमा को लेते हैं तो चंद्रमा यहाँ पे 1.37 डिग्री, यानी कि चंद्रमा जो है वो इस घर में 1.37 डिग्री बैठा है और शनि जो है वो 8.57 डिग्री, यानी कि मूला नक्षत्र के तीसरे चरण में और चंद्रमा जो है वो मूला नक्षत्र के पहले चरण में। तो इन दोनों के बीच में काफी गैप है, उसकी वजह से ये योग एक तो अमान्य हो गया। दूसरा ये कि ये योग अगर मान्य भी होता है तो क्या रिजल्ट देगा। तो चंद्रमा जो है वो 5वें घर का मालिक है क्योंकि कर्क राशि आ रही है और 10वें घर में वो विराजमान है। तो यहाँ पे आप उस टेबल में देख सकते हो कि 5वें और 10वें घर के रिजल्ट दिए और किस घर किस नक्षत्र का मालिक है। तो आप यहाँ पे नीचे देखिए डिटेल में, चंद्रमा जो है वो धनु राशि में है और मूला जो नक्षत्र है और केतु उसका नक्षत्र स्वामी है और उप नक्षत्र जो है वो शुक्र का है,
यानी कि चंद्रमा जो है केतु और शुक्र के नक्षत्र उपनक्षत्र में है, तो चंद्रमा जो रिजल्ट देगा वो केतु के भी देगा और शुक्र के भी देगा। तो केतु जो है वो छठे घर में बैठा है और शुक्र जो है वो आठवें सॉरी दूसरे घर का भी मालिक है, तीसरे घर का भी मालिक है और आठवें घर का भी मालिक है। यानी कि शुक्र के शुक्र ने आठवां घर दिया और केतु ने छठा घर दिया और चंद्रमा ने दसवां घर भी लिया। तो अब क्या हुआ कि आठ बारह जो बोलते हैं छह आठ बारह और आठ बारह छह आठ, ये क्या होते हैं बुरे घर हैं। यानी कि छह आठ और बारह ये एक त्रिक भाव माना जाता है। ये जब भी कोई प्लेनेट के साथ जुड़ता है, जब भी कोई प्लेनेट इन इन भावों को अपने रिजल्ट में लेता है तो वो नेगेटिव की तरफ रिजल्ट चला जाता है। तो अब क्या हुआ कि जो शुक्र देवता है उसने आठवां भाव सिग्निफाई किया और केतु ने जो छठा भाव सिग्निफाई किया, तो अब ये छठा और आठवां जो है वो नेगेटिव भाव है। तो अब ये नेगेटिव एनर्जी जनरेट करेंगे। चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, तो इसकी वजह से क्या होगा कि चंद्रमा जो है वो उसके अंदर जो है वो गलत विचार आएंगे, उसके अंदर आएंगे डिप्रेशन के विचार, क्योंकि चंद्रमा जो है वो मन का कारक है, तो वो मस्तिष्क से रिलेटेड है और छठा जो भाव है वो जो है वो रोग का है, तो रोग जो है आप डिप्रेशन को रोग ही समझ सकते हैं। आठवां भाव जो है वो अनैतिक कार्यों का है, लंबी बीमारियों का है और नेगेटिव एनर्जी का है। उसमें इंसान जो है वो अपनी सोचने की शक्ति को खो देता है और नेगेटिव कार्यों की तरफ चला जाता है। तो छठे आठवें के साथ संबंध बनाने के कारण चंद्रमा का इनमें होना, तो इसका मतलब है ये डिप्रेशन का प्रतीक है और ये जातक है वो डिप्रेशन में आएगा और डिप्रेशन में रहेगा। तो अब ये कब रहेगा, जब जब चंद्रमा की दशा महादशा आएगी गोचर में, चंद्रमा शनि से युक्ति बनाएंगे और चंद्रमा शनि से दृष्टि संबंध भी बनाएंगे, तब तब इनमें डिप्रेशन का मतलब रिजल्ट आएगा। अब शनि क्या रिजल्ट देते हैं, यानी कि चंद्रमा डिप्रेशन देंगे। अब जैसे मान लीजिए गोचर में चंद्रमा यहाँ से निकले और यहाँ पे आए, जैसे चंद्रमा उनके यहाँ धनु राशि में आए तो इनके डिप्रेशन आएगा। अब चंद्रमा ने यहाँ से घूमते हुए निकलते हुए यहाँ पे मिथुन राशि में आए, तो चंद्रमा ने इनसे दृष्टि संबंध बनाया शनि से और चंद्रमा से, तो इनके फिर ऐसे विचार आने लग जाएंगे। तो ये जो विचार है इनको हर मतलब 15-20 दिनों बाद आएंगे, तो ये व्यक्ति अपने आप को इस योग में मानेगा कि मेरा ये योग हुआ तो मेरा जो है जीवन ऐसा निकल रहा है, क्योंकि इसको नेगेटिव विचार जो है वो आते रहेंगे, महीने में दो बार तो आएंगे। तो इस चीज को हम विष योग या कोई भी योग मान सकते हैं। अब बात करते हैं शनि की, तो शनि क्या देता है, शनि देता है 11वां भाव और 12वां भाव, क्योंकि शनि की जो राशि है वो है एक तो 11वें घर में एक 12वें घर में, और शनि देवता बैठे हैं यहाँ पे आपके 10वें घर में। तो शनि जो है वो तीन घरों को सिग्निफाई करते हैं, 10वां 11वां और 12वां। अब केतु के नक्षत्र में है तो केतु छठा घर दे रहा है और गुरु के उप नक्षत्र में है, तो गुरु महाराज की दो राशियां हैं धनु और मीन, वो पहले भाव में और 10वें भाव में, और गुरु महाराज जो बैठे हैं वह दूसरे भाव में। तो गुरु अच्छे हैं लेकिन शनि के जो नक्षत्र है वो छठा केतु है जो छठा भाव देता है और शनि खुद 12वां भाव देता है, तो 6-12 का संबंध बनाया। तो 6-12 का जो संबंध बनाया वो बीमारी को देगा, न कि अब डिप्रेशन आएगा। तो जब शनि की जब दृष्टि यानी कि चंद्रमा की दृष्टि जब शनि पे आएगी, यानी कि शनि के नक्षत्र के करीब होगा वो, शनि से डिग्री संबंध उसका जब बनेगा तो उसको बीमारी के प्रति नेगेटिव जो सोच आएगी, और शनि जब चंद्रमा से डिग्री के उनके पास आएगा और उनके साथ जो युति बनेगी, जैसे मान लीजिए यहाँ मिथुन राशि में आया गोचर में शनि, अब गोचर में आया हुआ शनि जो है वो दृष्टि संबंध बनाया दोनों से। अब जब वो दृष्टि संबंध इसने बनाया तो अब जब चंद्रमा की डिग्री अगर 1 से लेके 5 तक होगी, 1 से लेके 4 या 0 से लेके 4 तक होगी,
तब वो जो एनर्जी देगा वो देगा आपको डिप्रेशन की। वही चंद्रमा गोचर में आया हुआ, अगर 6 से 10 तक की डिग्री संबंध बनाएगा, यानी 6, यानी कि गोचर का जो शनि है, सॉरी गोचर का जो चंद्रमा है, अगर वो 6 डिग्री पे होगा या 8 डिग्री पे होगा या 10 डिग्री पे होगा, तब चंद्र तब वो जो जातक है उसको बीमारी की मतलब संभावनाएं होंगी। उसको ऐसे लगेगा कि मैं बीमार हूं, मैं मतलब मैं कहीं बीमारी से कुछ हो ना जाए मेरे, मैं बीमारी में क्यों रहता हूं। और ये जो यही चंद्रमा अगर 1 से 4 डिग्री के बीच में, 0 से 4 डिग्री के बीच में रहता है, तब वो चंद्रमा से युति बनाता है, तब वो डिप्रेशन देगा। ये जो मैं बातें बता रहा हूँ ये उलझा देने वाली बातें हैं, लेकिन प्रेडिक्शन इसे ही कहते हैं। यानी कि एक प्लेनेट अगर डिग्री वाइज चलता है तो वो अलग अलग डिग्री से अलग अलग रिजल्ट बनाएगा, और जिस जिस डिग्री के करीब आएगा वो उस डिग्री का रिजल्ट देगा। ये प्रेडिक्शन का ही मेथड है। आप अगर प्रेडिक्शन करें तो ऐसे कर सकते हो। इसमें दृष्टियों के गोचर का जो, सब लोग आपको गोचर के नाम पे डराते हैं कि इसमें इस राशि का गोचर, इसमें इस राशि का गोचर, गोचर का बहुत उपयोग है। गोचर को अगर आप देखोगे तो गोचर हर प्लेनेट पे वर्क करता है। किस प्लेनेट के साथ गोचर कितने डिग्री पे आया वो रिजल्ट अब निकलता है। तो ये जो मेरा वीडियो है बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है आज। आज मैं काफी उसमें डीप जाने की कोशिश की है कि एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग समझाऊं, तो मुझे लगता है काफी डिसलाइक आने वाले हैं इस वीडियो पे। तो ये जो रिजल्ट है वो बदलता रहेगा। तो आप डिग्री का और दृष्टियों का और दोनों प्लेनेट का रिजल्ट जरूर निकालें। तो ये जो रिजल्ट आते हैं, अब ये जो विष योग है वो अपना रिजल्ट है अलग अलग देगा। यानी कि शनि से दृष्टि संबंध बनाता है या शनि के 5 डिग्री दृष्टि संबंध दोनों से बनेगा, क्योंकि दोनों एक ही भाव में है, लेकिन डिग्री वाइज दृष्टि संबंध। डिग्री का मतलब कि चंद्रमा जो है गोचर का चंद्रमा अगर शनि की डिग्री के करीब आएगा तो वो शनि के रिजल्टों को निकालेगा। अगर यही चंद्रमा शनि की चंद्रमा की डिग्री के करीब आएगा, यानी कि गोचर चंद्रमा हमारी लग्न कुंडली के चंद्रमा के डिग्री के करीब आएगा, तब वो हमारा डिप्रेशन का रिजल्ट निकालेगा। तो ये ही एक टर्म्स है सोचने का और देखने का। आपको ज्योतिष में ये चीजें बहुत सटीक साथ देखनी पड़ती है। मेरे वीडियो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं और मैं कोशिश करता हूँ नहीं कॉम्प्लिकेटेड बनाने की, लेकिन कई बार जब मैं वीडियो बनाता हूँ तो ऐसा हो जाता है, क्योंकि मैं कोई पहले रिहर्सल नहीं करता। मैं तो सीधा बनाना स्टार्ट करता हूँ और फिर वो जैसे दिमाग में आता है वो बन जाता है। तो ये जो चीजें हैं ये आपको सीखनी है, और इससे घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो रिजल्ट है वो आते हैं उनके नक्षत्रों से, उप नक्षत्रों से। अगर यही केतु महाराज पांचवें छठे घर में न होके, मान लीजिए तीसरे घर में आ जाते तो, या पांचवें घर में आ जाते तो रिजल्ट बदल जाते। छठे घर का नहीं आता तो चंद्रमा डिप्रेशन नहीं देता। तो ये चीजें हैं। जैसे एक मतलब डेट ऑफ बर्थ है, मैं बताता हूँ आपको, इसमें कुछ चेंजेस करके दिखाता हूँ। जैसे ये टाइम है, यहाँ पे हम कर देते हैं 21। अब ये जो विष योग बना है वो बना दूसरे भाव में। अब केतु महाराज 10वें भाव में चले गए, और क्योंकि मूला नक्षत्र में है दोनों ग्रह, अब केतु महाराज जो है वो 10वें भाव में चले गए और 6ठे 8वें भाव में कोई भी ग्रह नहीं है। गुरु महाराज हैं, लेकिन गुरु महाराज जो हैं वो अच्छे घरों के भी मालिक हैं, अच्छे घर के भी रिजल्ट देंगे। तो अब आप ये देखिए कि चंद्रमा जो है वो मूला नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है और शनि के उप नक्षत्र में। तो शनि जो है वो 3 अच्छे घरों का रिजल्ट दे रहा है, दूसरे तीसरे और चौथे का। अब केतु जो है वो 10वें घर का रिजल्ट दे रहा है। तो इसका मतलब है कि शनि यहाँ पे कोई डिप्रेशन नहीं दे रहा, कोई तरह की बीमारी नहीं दे रहा, क्योंकि 6ठे 8वें और 12वें घर से संबंध नहीं बनाया। अब चंद्रमा जो है वो 10.42 डिग्री मूला नक्षत्र तीसरा चरण। अब मूला जो है वो केतु का नक्षत्र है और उप नक्षत्र वो है
वो है आपके चंद्रमा जो है शनि के उपनक्षत्र में है, और सॉरी शनि जो था वो गुरु के उपनक्षत्र में था, ये मैंने थोड़ा भूल से गलती बोल दिया। तो चंद्रमा ने भी डिप्रेशन नहीं बनाया, क्योंकि केतु भी अच्छे घर में है और जो शनि भी है वो भी अच्छे घरों में है। इसका मतलब है कि यही विष योग है, इसके जो डिग्री है, इसका जो नक्षत्र है वो नक्षत्र लोड है, उनका हमको पूरा कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाके कोई योग बनता है। ऐसे ही कभी नहीं घबराना चाहिए, और कभी भी किसी की बातों में आके फालतू के यज्ञ कराने और फालतू की ऐसी काम नहीं करने चाहिए। जो योग होता है, जो दुष्परिणाम होते हैं उसका यज्ञ होता है, उसकी पाठ पूजा होती है। ऐसे ही किसी भी ग्रह की फालतू की पाठ पूजा न कराएं, क्योंकि इससे हमारा जो ग्रह है अगर वो अच्छे रिजल्ट देने के लायक है, जैसे यहाँ पे दूसरे भाव में शनि और चंद्रमा है, वो नौकरी के लिए बहुत अच्छे हैं, अगर हम उनकी पाठ पूजा करा देंगे तो हमारी नौकरी जो है वो खतरे में पड़ जाएगी। तो हमें हमेशा याद रखना है, एक अच्छी तरह से उनकी कैलकुलेशन करनी है और करानी है, जिससे कि हमारा जीवन है वो दुख में न निकले। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, कुछ अजीब सा था, तो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, नहीं अच्छा लगा तो डिसलाइक कीजिए, और अगर कोई ज्योतिष वास्तु संबंधी कोई क्यूरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी ये cyastrologer@gmail.com है, तो आप मुझे ईमेल कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, और धन्यवाद दोस्तों।